बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में हम चेक करेंगे कि डाटा जो है वो किस तरह से प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेसिंग इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड रिजल्ट। द प्रोसीजर एंड डिवाइसेस यूज्ड इन डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी प्रोसीजर या डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है उसे हम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम मे कंसिस्ट ऑफ अ पेपर एंड पेंसिल, यानी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो पेपर एंड पेंसिल पर भी मुश्तमिल हो सकता है और कंप्यूटर एंड प्रोग्राम्स, और कंप्यूटर और प्रोग्राम्स पर भी होता है कि जब हम काम मैनुअली करते हैं तो हमें पेपर एंड पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब हम काम कंप्यूटर में करते हैं तो हमें कंप्यूटर और प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक्स, वो कहते हैं कि ये चीज़ डिपेंड करती है एंड द इक्विपमेंट एम्प्लॉय फॉर द डाटा प्रोसेसिंग। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मैनुअल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से जो है ये डाटा प्रोसेसिंग को दो कैटेगरीज या दो टाइप्स में इसको डिफाइन किया गया है। नंबर वन जो इसकी टाइप है वो है मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग, जिसे हम MDP भी कहते हैं। MDP स्टैंड फॉर मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। और नंबर टू पे हमारे पास है EDP। EDP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी दो तरीक़ों से डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। अब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से होता है। इन दिस टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म मैनुअली, यानी इस किस्म के जो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि तमाम जो डाटा है वो मैनुअली परफॉर्म किया जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी मशीन, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मशीन, यानी किसी भी मशीन की हेल्प के बगैर जो है हमें ये काम मैनुअली परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कैलकुलेटर और अ कंप्यूटर, यानी हम बगैर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल किए, बगैर कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल किए हमें वो काम मैनुअली पेपर एंड पेंसिल की हेल्प से करने पड़ते हैं। इसी तरह से नंबर दो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, जिससे EDP भी कहते हैं। ये एब्रिवेशंस हैं छोटे छोटे, इनको जहन में याद रखें क्योंकि ये पेपर्स में आ सकती हैं, तो आपको ये एब्रिवेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है, कहते हैं इट इज़ द मोस्ट रिसेंट एंड मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये जो है वो मोस्ट रिसेंट और मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। इन दिस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज्ड। अब इस सिस्टम में क्या है, हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होता है। द कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, कंप्यूटर जो हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस को सर अंजाम देते हैं। दे प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी बहुत थोड़े टाइम में ये बहुत सारे डाटा को जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। एंड वेरी एक्यूरेटली, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट जो है वो भी आपको फाइंड आउट करके दे सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है एक एडवांस फॉर्म है डाटा प्रोसेसिंग की, या मॉडर्न एक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। और इसमें जो है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में जो है ये तमाम काम जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अंजाम दिए जाते हैं, और इसमें ये सबसे बड़ी सलाहियत होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है वो डाटा को प्रोसेस करके दे देता है, और उसका जो रिज़ल्ट देता है वो भी बड़े एक्यूरेटली दे देता है। जबकि हम जब मैनुअली काम करते हैं तो हम जल्दी थक भी जाते हैं, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट वे से काम नहीं हो पाता। तो इस तरह से द इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई होती हैं। और इसमें भी ये होता है कि 80% to 90% काम जो है वो मशीन करती है, और बाकी का जो रिमेनिंग जो 10% या 20% होता है वो हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो इस